युवराज सिंह ने कहा, युवराज के सामने झुक गया मेरा सिर, बीसीसीआई के बारे में कही ऐसी बात कि आप सोचने पर हो जाएंगे मजबूर। भारत ने 2007 का T20 वर्ल्ड कप जीता, फिर 4 साल बाद 2011 में 50 ओवरों का वर्ल्ड कप जीता। इन दोनों जीत में अगर आप किसी को नायक के तौर पर देखेंगे उसमें युवराज सिंह का नाम उभर कर सामने आता है। भले ही युवराज सिंह आज भारतीय टीम से बाहर हों, लेकिन वे अभी भी जोर आजमाइश में लगे हुए हैं। खुद उनके पिता युवराज सिंह को भी पूरी उम्मीद है कि उनका बेटा एक बार फिर वापसी करेगा। युवराज सिंह ने पत्रकारों से बात करते हुए युवराज सिंह के बारे में कई बातें कही। मेरा सिर मेरे बेटे के सामने नतमस्तक। युवराज ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि उसने 17 साल तक मैदान में अपना लहू बहाया, मेरा सिर उसके कदमों में झुक गया है। उन्होंने कहा, युवराज ने मुझसे कहा था कि पापा मैं भारत के लिए विश्व कप जीतना चाहता हूं, अगर मैं मैदान पर मर भी गया तो मेरी लाश को सैल्यूट करना। जब खिलाड़ियों के पैरों के बीच से निकल जाती थी गेंद, युवराज ने कहा युवी को फिटनेस साबित करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा, जब युवराज भारतीय टीम में खेलने गए थे तो साथी खिलाड़ियों को कैच करना नहीं आता था, गेंद उनकी टांगों के बीच से निकल जाती थी। युवराज ने जो 17 साल पहले पायदान बदला, आज उसकी बदौलत यंग प्लेयर्स अपनी फिटनेस लेवल को आगे तक लेकर गए हैं। बीसीसीआई की तारीफ में कहा डैश। युवराज सिंह को बाहर करने पर पत्रकारों ने युवराज से पूछा, क्या इसके लिए बीसीसीआई जिम्मेदार है? तो युवराज पत्रकारों पर गर्म हो गए। उन्होंने कहा, बोर्ड का मैं ऋणी हूँ जिसने क्रिकेट को बहुत कुछ दिया। बोर्ड ने जो देश के लिए किया उसका देन लोग दे नहीं सकते। उन्होंने खिलाड़ियों को पैसे दिए, पेंशन दी, ऐसे बोर्ड को कभी भला बुरा नहीं कहा जा सकता। युवराज को जब कैंसर हुआ था तो बोर्ड ने सहायता की थी और उसके इलाज के लिए 5 करोड़ रुपए दिए थे। ऐसे बोर्ड को मैं सैल्यूट करता हूँ। अगर युवराज ले ले संन्यास तो मुझे कोई दुख नहीं। युवराज ने कहा कि बोर्ड ने जो फिटनेस टेस्ट रखा है उसे पार करना हर खिलाड़ियों के लिए जरूरी है। युवराज भी यह टेस्ट पास करेगा जिसके लिए वह कड़ी मेहनत कर रहा है। हालांकि उन्होंने कहा कि जो मैंने सोचा था वो युवराज ने भी पूरा किया, आयर भगवान ने भी। अगर वह क्रिकेट छोड़कर आज ही संन्यास ले तो मुझे कोई दुख नहीं।